सरकारी तेल कंपनी ने आज एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने प्रति सिलेंडर के भाव में 15 रुपए का इजाफा किया है। फेस्टिवल सीजन से पहले ही आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव में 15 रुपए का इजाफा किया है। इससे आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। त्योहार के बीच इस महंगाई से लोगों को बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, लगातार इजाफा हो रहा है। अब गैस के दाम में आज बढ़ोतरी हो गई 15 रुपए की। कैसे आप घर चलाने, कैसे कितना बजट बिगड़ गया आप घर का? घर का खर्च चलाने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम एक पेंशनधारी हैं, पेंशन तो बढ़ी नहीं, पता चला महंगाई बढ़ गई है। इसके कारण पता चला घर का, हम चार सदस्य हैं, चार सदस्य बताइए घर कैसे चले। सब्जी भाजी, अगर डीजल का रेट कम होता है तो सब्जी भाजी हर चीज़ का रेट कम हो जाएगा। दालें भी इतनी महंगी हो गई कि घर चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है ना। तो हम सरकार से एक ही चीज़ अनुरोध करते हैं कि मतलब डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया जाए ताकि गैस सिलेंडर भी सस्ते मिल सके और हमें मतलब सस्ते दामों में हो। इसलिए सरकार हम चाहते हैं कि कम से कम मतलब महंगाई कम करें और मतलब महंगाई कम करें और ताकि हम लोग को सस्ते दाम पर थोड़ा सिलेंडर मिल सके। संध्या मिश्रा, टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शहडोल से अखिलेश मिश्रा की रिपोर्ट।